हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इन दिस चैप्टर वी इन टुडेज क्लास वी विल रीड द लास्ट टू रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट टॉपिक इज contribution of agriculture to the national economy, employment and output। ये हमारा टॉपिक का मीनिंग है यहाँ पर, कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा नेशनल इकनॉमी में, और जितना भी एम्प्लॉयमेंट होता है, रोज़गार होता है उसमें, और आउटपुट में यानी कि जितना भी उत्पादन किया जाता है, तो उस इन तीनों चीज़ों में हमें अपने जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन देखना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर को इंडियन इकनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन समझते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, उसके बिहाफ पे हम खड़े हो पाते हैं, सब मूव कर पाते हैं, तो इसी ऐसे ही जो एग्रीकल्चर है वो भी हमारे इंडिया का इंडियन इकनॉमी का बैकबोन है। ठीक है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इज डिक्लाइनिंग। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा GDP है यानी कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो एग्रीकल्चर के शेयर्स हैं वो डे बाय डे डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि उसका जो योगदान है, एग्रीकल्चर से जो योगदान होता है वो डे बाय डे कम हो रहा है। इसके बावजूद भी 2010-2011 की अगर हम बात करें तो ये जो टोटल है वो 52% टोटल वर्क फोर्स यानी कि एम्प्लॉय प्रदान करता है लोगों को, मतलब रोज़गार प्रदान करता है ये कह सकते हैं हम। देखिए जिस तरह से GDP में हमारा एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डे बाय डे घट रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है और बहुत चिंता की भी बात है कि अगर ऐसे जो एग्रीकल्चर में गिरावट आती रहेगी तो ये हमारी इंडियन इकनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट एटसेट्रा आर अ फ्यू ऑफ द इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू द इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो ये आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे कि हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से पढ़ते जानते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे जैसे जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि कृषि के जो विश्वविद्यालय हैं, और ये आपका पशु चिकित्सा सेवाएं हैं, ठीक है, बागवानी विकास है, और मौसम विज्ञान है यानी कि मेट्रोलॉजी, जो मौसम से रिलेटेड पहले से जानकारी मिल जाती है आपकी, वेदर फॉरकास्ट है, ठीक है, यानी कि मौसम का पहले से ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं उसके फील्ड में। तो बहुत सारे ऐसे वर्क गवर्नमेंट ने किए हैं एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंट देखते हुए, ताकि उसके डेवलपमेंट में आगे कोई परेशानी नहीं आए।